तो इस्लाम में इस सोहबत का बड़ी अहमियत है। सोहबत में अहम चीज है नजर, जिससे शख्सियत बनती है, इंसान बनता है, असर लेता है। क्या देख रहा है? आपने देखा होगा छोटे बच्चे घरों में होते हैं, अपनी मां को नमाज पढ़ते पढ़ते जब मुसलसल देखते हैं तो वो भी अम्मा की तरह नमाज पढ़ने लगते हैं। तो नजर का असर पड़ा और इनके पूरे जिस्म पे उसका असर आने लग गया। वो ही करने लगा जो उसने अपनी अम्मा को देखा, वही करने लगा। तो जैसे अम्मा को नमाज पढ़ते पढ़ते देखा और वो उसके जिस्म पे उसके असरात आने लगे, और इसी तरह अगर किसी के बच्चे टीवी की स्क्रीन पे नाचना देखेंगे तो वो भी उसके जिस्म पे असरात हो। जो तस्वीर उनकी नजर पे गुजरेगी, जितनी फहश और गंदगी वो देखेगा उसका असर इसके जिस्म पे आएगा। और अल्लाह न करे कि एक जिंदगी का बड़ा मौसम गलत लिटरेचर देखता रहा, गलत नजरियात में बैठता रहा, गलत टीचर की सोहबत में बैठता रहा, गलत दानिशगाह के माहौल में बैठा रहा, तो बताइए उसका इसकी जिंदगी पे असर नहीं होगा। तो अगर इस सोहबत में, इस गलत सोहबत में और गलत मजलिस में और गलत दोस्तों में अगर नजर के साथ साथ सामने वाले की इसके दिल में मोहब्बत भी आ गई, अजमत भी आ गई, तो फिर तो उसकी जिंदगी में ये बह जाएगा। गलत लिटरेचर है, आंखों से देख रहा है, लेकिन जिसका लिटरेचर पढ़ रहा है उसकी अजमत इसके दिल में, ये उससे बड़ा मुतासिर है, उससे बड़ा मरऊब है, उसकी तहरीर इसकी जिंदगी पे असरअंदाज हो जाएगी। सामने वाला जिसका ये मंजर स्क्रीन पे देख रहा है उसकी अजमत इसके दिल में है, उसकी बड़ाई इसके दिल में है, तो उसका फैशन इसकी जिंदगी पे असर करेगा, उसके हरकात व सकनात इसकी जिंदगी पे असरअंदाज होंगे। जो वो कर रहा होगा ये कर रहा होगा। बच्चे हैं, जब किसी खिलाड़ी को देखते हैं तो जाहिर है इनके दिल में उस खिलाड़ी की एक बुकत होती है, अहमियत होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कैप इनके सर पे आ जाती है, उसकी शर्ट इनके जिस्म पे आ जाती है, उसकी पैंट इसके जिस्म पे आ जाती है, ये उन जैसे बाल बनाने लगता है, उन जैसी हैयत बनाने लगता है। नजर ने असर किया और पूरा जिस्म उसका असर लेने लग गया। क्या देख रहा है? अच्छे देख रहा है, बुरे देख रहा है? अच्छों के साथ बैठ रहा है, बुरों के साथ बैठ रहा है? अच्छा लिटरेचर पढ़ रहा है, गलत लिटरेचर बैठ रहा है? जो ये जिंदगी का हिस्सा जैसी सोहबत में गुजार रहा है उसके असरात मुंतकिल होंगे। मां बाप नमाजी, हाजी रोजेदार, शरीफ घराना, लेकिन औलाद कहां उठती बैठती है, क्या देखती है, उसकी आंखों के सामने क्या मनाजिर गुजरते हैं, क्या लिटरेचर पढ़ती है, क्या मनाजिर सुबह शाम वो देखती है, तो क्या उसके असरात नहीं होंगे? हालांकि देखते भी हैं असरात। बच्चा मां की नकल करता है, बच्चा मां की जबान बोलता है, बच्चा मां की जबान बोलता है, बच्चा मां की नकल करता है। जब उस लाशऊरी माहौल के अंदर इतना असर ले रहा है अपनी आंखों से
और जब शुऊर आ जाएगा तो बताइए फिर इन आंखों से कितना असर लेगा। तो शख्सियत का बनना और बिगड़ना आंख से है। शख्सियत का बनना और बिगड़ना सोहबत से है, अच्छी सोहबत या बुरी सोहबत।